खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी से आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान, 24 घंटे के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं बंद। राजस्थान में भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में भी आक्रोश। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर कोई चाहता है कि इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, और इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। खत्म किया जाए, मैं नहीं चाहते हड़ताल कंटिन्यू चले। जो हमारी मांगे उसको सरकार जल्दी सुनवाई करे और मरीजों को इलाज दिलाए। डॉक्टर मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर। हाँ बताइए, महिला चिकित्सक के साथ इस प्रकार की हुई, पूरे देश भर में आक्रोश है, ना केवल चिकित्सा बल्कि अलग अलग संगठन में आक्रोश। सरकार से चाहते क्या, सीबीआई ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। देखिए, 9 तारीख की रात को ये घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई है, लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे सामने नहीं आए हैं। तो ये जो सीबीआई के पास इंक्वायरी गई है ये तेज होनी चाहिए और हथियारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी जब तक हमें एक एक बच्ची को, यहाँ पे एसएमएस के बच्चे को, पूरे देश की एक एक बच्ची को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, काम करने की आजादी नहीं मिलेगी, रात में सड़कों पर बिना किसी झिझक के चलने की आजादी नहीं मिलेगी। ये हड़ताल नहीं रुकेगी। हमारी हड़ताल सिर्फ डॉक्टरों की हड़ताल नहीं है, ये पूरे देश की एक एक बच्ची की हड़ताल होनी चाहिए, एक एक भाई की हड़ताल होनी चाहिए जो अपनी बहन को सलामत देखना चाहता है। तो प्लीज प्लीज सब हमारा साथ दीजिए। ये सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी की हड़ताल नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारे मरीज ठीक हो, हम भी चाहते ये हड़ताल खत्म हो, लेकिन आप हमारा साथ दो ताकि नेशनल मुद्दा बने और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले हमें भी, उस बहन को भी जो कत्ल हुई थी, और जल्दी से जल्दी हमारी हड़ताल खत्म हो। थैंक यू। डॉक्टर दिलारा, न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट। कब तक उम्मीद है कि, क्योंकि अब लगातार सीबीआई हाथ में मामला ले लिया है, क्योंकि आप लोगों का आंदोलन जारी है, अब तक आम मरीजों को भी राहत देंगे, क्योंकि आप भी जब हड़ताल पे जाते हैं कहने के जो मरीज है वो अफेक्टेड। बिल्कुल मरीज।